नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। तांबे के बर्तन के पानी पीने के बेनिफिट्स किसी से छुपे नहीं हुए हैं। क्या इसके बेनिफिट्स हैं, मैंने कई बार इस पर चर्चा करी, पर ये चीज़ कई लोग इस पर सवाल करते हैं बहुत सारे कि मुझे कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ऐसे क्यों लेना, इसके ऊपर हम डाइट भी तो लेते हैं, डाइट में भी तो होता है ये सब, क्यों ज़रूरत है तांबे के बर्तन के पानी की, बहुत तरह के सवाल। उन सब सवालों पे मुझे लगा कि मैं चर्चा करूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जिंदगी में कोई भी चीज़ को आँखों पे पट्टी बांध के मैं नहीं कहता कि विश्वास करते जाओ और चलते जाओ। अक्सर लोग ऐसा करने को बोलते हैं कि भाई बस बोला ना, बेनिफिट होते हैं तो पीना ही है। पर जो साइंटिफिक लोग हैं, जो साइंटिफिक दुनिया में जीते हैं या जिनको लगता है कि नहीं मुझे इसका कारण पता चले फिर मैं करूँगा, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो मैं आज आपके ही कुछ सवाल जो आपने पूछे लगातार मेरी तांबे के बर्तन के जो पानी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा और उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी आपको इन चीज़ों को अपनाने में। क्यों अपनाना चाहिए इनको, क्योंकि अपनाने से हमें इन चीज़ों को अपनाने से कोई फ़ायदा होता है नहीं होता ये बाद का विषय है, लेकिन हमें स्वस्थ हैं हम ऐसा एहसास कराती हैं ये चीज़ें। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करके रखता है उसको अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आने लग जाती है कि भाई मैं बहुत अच्छी अपनी लाइफ मैनेज करके रखी हूँ, मैंने चला रहा हूँ उसको मैनेज करके, तो एक अपनी फीलिंग ही अलग होती है उसकी। तो आइए आपके कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने लिख लिए, बहुत सारे सवाल थे। पहला सवाल किसी ने पूछा कि तांबे के बर्तन का पानी सुबह ही क्यों पीना चाहिए, शाम को भी पी सकते हैं, दोपहर को भी पी सकते हैं, पानी ही कैल्शियम, अगर हमें कॉपर ही लेना है उसका तो सुबह क्यों बोला जाता है कि खाली पेट पियो। देखो इसके पीछे कई कारण हैं। हालांकि मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर कोई व्यक्ति सारा दिन इसका पानी पीना चाहे बेशक पी सकता है, लेकिन मना ही नहीं है। लेकिन सुबह इसलिए खास जोर दिया जाता है खाली पेट पानी पीने को, एक तो खाली पेट पानी पीना अच्छा है, पहली बात खाली पेट पानी पीने से रात भर की गंदगी साफ़ हो जाती है, सफाई करना अच्छा है, आंतों की सफाई अच्छी हो गई तो दोबारा अच्छे से खाना पचेगा, गंदे बर्तन में ऊपर से कुछ डाल दोगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। इसलिए पुराना सारा साफ करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं उषापान, यानी सुबह सुबह उठो और अर्ली मॉर्निंग पानी पियो। ये तो एक इसका हेल्थ पक्ष हो गया। अब मैं साइंटिफिक पक्ष की बात करता हूँ। साइंटिफिक पक्ष ये है तांबे के बर्तन का पानी सुबह पीने का, वो ये है कि कॉपर जो है ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में हल्का सा एसिडिक माहौल चाहिए तांबे को पचाने के लिए। आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। आपने नोट किया होगा तांबे का बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाता है जब इमली से साफ़ करो, नींबू से साफ़ करो या किसी खट्टी चीज़ से साफ़ करो। इसका मतलब तांबा उससे जल्दी घुलता है खट्टी चीज़ से। तो खट्टी चीज़ अब आप ये नहीं करना कि तांबे का बर्तन का पानी में नींबू डाल के पीते जाओ, नहीं, तांबे के बर्तन का पानी को डाइजेस्ट होने के लिए खट्टी चीज़ यानी एसिडिक, तो एसिडिक माहौल चाहिए होता थोड़ा सा पेट को। तो पेट में एसिडिक माहौल कब ज़्यादा होता है, बेहतर होता है, वो होता है रात को सोने के बाद सुबह उठते के वक्त। उस वक्त थोड़ा हमारे पेट में रात भर थोड़ा एसिड इकट्ठा हुआ होता है हल्का फुल्का, तो एक तो उसको क्लीन कर देता है जो कि हमारे लिए अच्छा है, दूसरा वो अच्छे से कॉपर पच जाता है, इसीलिए हम सुबह खाली पेट लेने को बोलते हैं। अदरवाइज आप सारा दिन पी सकते हो, अगर पीना चाहो तो पी सकते हो, कोई हर्ज नहीं। दूसरा सवाल है क्या तांबे के बर्तन का पानी सारा दिन पी सकते हैं, फिर वही सवाल आ गया, बेशक पीजिए, लेकिन तांबे की ज़रूरत बॉडी को होती है, सारा दिन पी सकते हैं अगर आपको बुरा नहीं लगता तो, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक पानी ख़त्म कर दें, आप भरा रहने देंगे अगर उसको, फिर उसको अगले दिन उसी में कई लोग पानी डाल देते हैं, वो गलत है। उसी में पानी डाल दिया पुराने पानी में, अब वो पुराने में पानी डली जा रहा है, वो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आप पानी अगले दिन पीना है तो उसको पहले अच्छे से धो लो, बर्तन को साफ़ कर लो, फिर नया पानी भरो उसमें। सारा दिन पानी पियो लेकिन 3 महीने बाद 1 महीना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि कॉपर अगर शरीर के लिए ज़रूरी है तो शरीर में कॉपर की अधिकता भी नुकसानदायक, अधिकता ना हो जाए। हालांकि थोड़ा बहुत अधिक ऊपर नीचे होता है तो हमारी किडनी है साफ़ करने के लिए, लेकिन अगर रोज़ आप लेते रहते और कभी बंद नहीं करते तो फिर कॉपर की अधिकता से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए 3 महीने के बाद 1 महीना बंद करा देते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कैल्शियम हो, आयरन हो, हम एटलीस्ट थोड़े दिन बंद करते हैं कि बॉडी उसकी आदी ना हो जाए, ये भी कारण होता है। फिर किसी ने पूछा क्या तांबे का पानी गर्म करके पी सकते हैं, क्योंकि ठंड में ठंडा हो जाता है, एसी वाले कमरे में भी पानी ठंडा हो जाता है और ठंडे पानी से बाद में दिक्कत आती है। बेशक पानी गर्म किया जा सकता है, कई लोगों ने कहा नहीं गर्म कर सकते, मैं कहता हूँ कि गर्म किया जा सकता है, लेकिन तांबे के बर्तन को एज इट इज़ आपको तांबे के बर्तन को ही गर्म करना पड़ेगा पानी को।
आप ये नहीं कर सकते कि तांबे के बर्तन का पानी एल्युमिनियम के या स्टील के बर्तन में डाल के गर्म करें। रात भर उस बर्तन में रहने से उसके अंदर वो आयंस आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाता है पानी। अगर आप उसको किसी और मेटल से टच कराते हो तो वो कई बार पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस वो आपस में क्रैश कर जाते हैं, तो फिर उसकी जो चार्जिंग है वो कम पड़ जाती है। इसीलिए आप तांबे के बर्तन का पानी तांबे के बर्तन में ही गर्म करें और हल्का गर्म गुनगुना कर लें, बहुत उबालने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का गर्म कर लें और उसको पी सकते हैं। लेकिन पीने के लिए भी आपको ध्यान रखना है, या तो तांबे के बर्तन का जग मुँह लगा लो, आहिस्ता आहिस्ता पी जाओ, अगर नहीं तो आप कांच का गिलास प्रयोग करो, चीनी मिट्टी का गिलास प्रयोग करो, स्टील का गिलास नहीं प्रयोग कर सकते, या यूँ कहूँ कि किसी और मेटल का गिलास, चांदी आदि का गिलास नहीं प्रयोग कर सकते, तांबा ही रखना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है, मैंने बताया था एक बार कि तांबे के बर्तन में रात को कोई चांदी की चीज़ डाल दो, कोई सोने की चीज़ डाल दो, सर्दी है तो सोने की चीज़ डाल दो, गर्मी है तो चांदी की चीज़ डाल दो, चांदी की कमी भी पूरी कर देगा, सोने की कमी भी पूरी कर देगा। फिर मैं आगे सवाल पे बढ़ता हूँ, किसी ने पूछा फ्रिज में रख सकते हैं इसका पानी, बिल्कुल भी नहीं। फ्रिज में तो मेटल्स तो रखनी ही नहीं चाहिए ज़्यादातर, मैं आपको बताऊँ कांच का ही या चीनी का ही बर्तन रखना चाहिए, क्योंकि मेटल्स रिएक्ट करती हैं, गैसेस होती हैं फ्रिज के अंदर भी, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारी मेटल्स के साथ टकराएंगी, तो वो मेटल जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है उन चीज़ों को, तो ये गलत है। मैं नहीं मानता कि आप फ्रिज में पानी रखेंगे, नुकसानदायक हो जाएगा, बाहर रख कर पिए। डिटेल में जाऊंगा तो बड़ी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि क्यों नहीं रखना फ्रिज में, फिर समय जाया जाएगा, कुछ इतना मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। आप इतना समझ लें कि फ्रिज में इसको नहीं रखना चाहिए। और क्या किसी ने पूछा क्या पतले लोग भी पी सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि इससे मोटापा कम होता है। भाई ये बड़ी अफवाह फैलाई जाती है, लोगों को ना प्रलोभित किया जाता है कि इससे मोटापा कम हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो। बेशक मोटापा बहुत चीज़ों से कम होता है, लेकिन मोटापा कम होता है लाइफस्टाइल को सुधारने से, और ये लाइफस्टाइल को सुधारने की एक आदत है सुबह पानी पीना। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पतले हैं तो ये मत सोचना कि मैं पतला हूँ तो फिर मैं और पतला हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। पतले व्यक्ति को भी कैल्शियम चाहिए, मोटे को भी चाहिए, पतले व्यक्ति को भी कॉपर चाहिए, मोटे को भी चाहिए। इसलिए ये नहीं ज़रूरत घबराने की कि मैं मोटा हूँ पतला हूँ, आप ले सकते हैं सभी, जो मोटा होगा वो पतला होगा, जो पतला ही है वो और पतला नहीं हो सकता। ये चीज़ें भगवान की बनाई, इतना साइंटिफिक है। अब कोई भी पंछी है, कोई गाय है, कोई जानवर, वो ये थोड़ी सोचता है ओ मुझे कैल्शियम नहीं लेना, मुझे तो ये वीकनेस आ रही है, ये खाना है, ऐसा। वो सिंपल डाइट खाते हैं और खुश रहते हैं। आप भी हर चीज़ को बैलेंस मोड में चलाओ, किसी चीज़ के फ़ायदे सुन के इतना इम्प्रेस ना हो जाओ कि बस फिर वो सारा कुछ भूल के उसी को करी जाओ। किसी चीज़ को इतना भी कम मत करो कि लाइफ में आपको उसकी कमी सताए, तो इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में चलाना है। फिर किसी ने पूछा कि अल्सर और निमोनिया और टीबी में आपने मना किया था पानी, तो मेरे को तो ये लेने से टीबी में फ़ायदा किया था। बेशक आपको टीबी में फ़ायदा किया होगा ये पानी, मैं नहीं कहता कि टीबी और अल्सर और निमोनिया में ये नहीं लेना। मेरे वहाँ पर उस वीडियो में बताने में थोड़ी मेरे कमी रह गई, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मेरे बताने का मतलब ये था कि सुबह पानी सब पिए, लेकिन सुबह खाली पेट पानी पीना अल्सर निमोनिया और टीबी वालों के लिए अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनो, अल्सर है अगर आपको पेट में जख्म है, निमोनिया है या निमोनिया के लक्षण या कुछ ऐसा है, या टीबी है, तो आपको खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, बाकी सारा दिन तो पानी पिए, तांबे का पिए चाहे जिसका मर्जी पिए। तीन ऐसे प्रॉब्लम में सुबह खाली पेट पानी नहीं पिलाया जाता, बस ये ध्यान रखना। तांबे का बर्तन का पानी अल्सर में मना नहीं है, अल्सर ठीक करेगा, डाइजेशन को ठीक करेगा, निमोनिया ठीक करेगा, टीबी ठीक करेगा, लेकिन खाली पेट पानी नहीं पीना होता इन तीन प्रॉब्लम्स में। ये मेरी अपनी एक भूल थी, मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर किसी ने पूछा कि अच्छा तांबा नहीं मिलता, उसमें स्टील मिला होता है, क्या करें? अब इसमें मैं आपकी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, कई लोग स्टील मिला देते हैं, कई लोग लोहा मिला देते हैं। आप ख़रीदने जाओगे अगर, एक तो अच्छी दुकान से लेना जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, फेथ हो, वो अच्छी कंपनी का देता हो, ब्रांडेड कोई जिसमें आपको लगे कि ठीक है। लेकिन कई बार आपको लोहा मिला के दे देते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल ये भी हो रहा है, तो उसकी निशानी होती है आप चुंबक ले जाएं घर से, चुंबक लगा के देख लें, जिस तांबे के बर्तन को चुंबक पकड़ लें इसका मतलब है उसके अंदर लोहे की मिलावट है। तो बहुत कम होती है, लेकिन कुछ दुकानदार ज़्यादा लाभ पाने के लिए कर जाते हैं, थोड़ा लालच आ जाता है कुछ लोगों को, गलत रास्ता चुन लेते हैं। अब क्या करें, आपको इसके लिए थोड़ी अपनी समझदारी, थोड़ी युक्ति लगानी पड़ेगी, तो अच्छी चीज़ खरीदेंगे तो बेशक आराम से मिल जाएगी।
उसके लिए वो पूरी कीमत लेते हैं। तो पूरी कीमत अगर ले रहा है और आपको ब्रांडेड चीज़ मिल रही है और आपको लग रहा है कि ये सही है, कंपनी ने विश्वसनीयता का कोई मार्क लगाया है या कोई ऐसा सरकारी मार्क लगा, तो आप खरीदो बर्तन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी ने पूछा तांबे का पानी फ्रेश होने से पहले पीना के बाद में, बेशक भाई पहले पीना तभी अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे, और अगर फ्रेश होने के बाद भी थोड़ा पीने का दिल करे तो आप पी सकते हैं, लेकिन फ्रेश हो के या बाथरूम जाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना होता, तुरंत बाद कुछ खाना नहीं होता, तो 10 मिनट का फासला रखना होता है, तो आप उसको फिर इतना फासला मेंटेन कर लेना, लेकिन पहले तो ज़रूरी पीना ही होता है, ब्रश करने से भी पहले पीना होता है। कई लोगों ने यह भी पूछा था मुझे, इसमें मैंने प्रश्न लिखा नहीं, लेकिन कई लोगों ने पूछा था कि ब्रश करने से पहले पिए के बाद में, अरे पहले पीना है, रात का स्लाइवा जो मुँह में इकट्ठा हुआ वो अंदर जाना चाहिए। तो कई उसमें लोगों ने कहा था कि मेरे तो खून निकलता रहता है दांतों में, मैं रात का स्लाइवा कैसे अंदर ले जाऊँ। बेशक अगर आपको बहुत ज़्यादा मुँह की प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप हल्का कुल्ला कर लो पहले खून आदि, या मुँह में पानी इकट्ठा हो जाता है कईयों के, उसको पहले निकाल लो, मुँह में एक कुल्ला हल्का कर लो, फिर पी लो, लेकिन ब्रश से पहले पियो, ये ध्यान रखना। फिर किसी ने पूछा क्या इस पानी में नमक डाल सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, कई लोगों ने शायद कई वीडियोस में कई लोगों ने बताया कि सुबह गर्म पानी में नमक डाल के पियो पेट साफ हो जाएगा। इससे पेट साफ हो ना हो, लेकिन जो कच्चा नमक ऐसे पानी में घोल घोल के पिएगा ना, उससे हड्डियाँ ज़रूर घुल जाएंगी, धीरे धीरे हड्डियों का पूरा कैल्शियम निकल जाएगा, हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, ये इसका बेनिफिट है नमक वाले पानी का। अब आप समझदार हैं, मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप नमक वाला पानी ना पिया करें इसे। क्या तांबे के बर्तन के पानी में हम रात को ही ड्राई फ्रूट भिगो सकते हैं, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट भिगो के खाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आप ड्राई फ्रूट इसमें भिगो के कैसे कर सकते हैं, ये कई लोगों ने मुझे कहा, मैं मेथी दाना भिगो सकता हूँ, मैं इसमें नींबू पानी डाल के पी सकता हूँ, मैं एलोवेरा आंवला डाल के पी सकता हूँ। नहीं भाई, आपको एलोवेरा आंवला के लिए अगर पानी यूज़ करना है, बेशक आप इसी पानी को यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा आंवला के पानी में भी, लेकिन दवाई भी लेनी है तो इसी के साथ दवाई, इस पानी के साथ, तांबे के बर्तन के साथ, पानी के साथ ले सकते हैं दवाई। लेकिन ये नहीं करना कि सुबह खाली पेट जो अर्ली मॉर्निंग खाली पानी लेना है उसमें एलोवेरा डाल के ले जाओ, नहीं। सुबह खाली पेट जो पहला पानी पीना होता है वो बॉडी को एकदम खाली पानी मिलना चाहिए, उसमें कुछ भी ना मिला हो, ना शहद ना नींबू, जो भी शहद नींबू का पानी वो पीना है वो बाद में, थोड़ी देर 10 मिनट बाद में, लेकिन पहला पानी शरीर को फ्लश करता है, सफाई करता है, और सफाई तब करेगा जब वो बिल्कुल प्लेन वाटर होगा। हल्का ल्यूकवॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तांबे के बर्तन का पानी सूट नहीं करता, कुछ कारण होते हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि जिनको तांबे के बर्तन का पानी सूट नहीं करता वो क्या करें। ऐसे अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न आता है तांबे के बर्तन से जुड़ा हुआ, आपको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे जल्द से उसका कमेंट कर दें, आने वाले समय में मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।